गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशु प्यू फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेट उठे और लेट उठने के बाद, लेट भी इतना नहीं, 7:15 ही उठे थे। फिर बस उठते ही थोड़ी देर छत पे आए, ब्लैक टी पी, लेमन टी ब्लैक वाली, और उसके बाद बच्चे सो रहे थे, हम मंदिर हो आई हूँ मैं। तो बस इतनी देर में प्लांट्स वाले भैया आ गए, पौधे वाले। वैसे आज मैंने नर्सरी जाना था प्लांट्स लेने, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि आज कल रात को लेट हुए पार्टी में, तो आज हम नहीं जा पाए। तो इसी मैंने सोचा कोई प्लांट्स वाला आएगा तो हम प्लांट्स लगवाएंगे। बहुत दिन, अब गर्मी का मौसम भी है और प्लांट्स तो जरूरी होते हैं। लॉकडाउन में मैंने 2 साल इतने अच्छे प्लांट्स लगाए थे ना फ्रेंड्स, और वो उन्होंने इतना ग्रोइंग किया था क्योंकि उस टाइम पोल्यूशन नहीं था और बहुत ही अच्छे रहे वो प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं प्लांट्स लगवा रही हूँ, तो आप प्लांट्स देखिए कौन कौन से हम लगवा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम अपनी छत पे ही हैं, तो आपको दिखाते हैं हमने कौन कौन से फ्रेंड्स हम लगवा रहे हैं प्लांट्स, और कौन कौन से लगवा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रेड गुड़हल, और ये है ऑरेंज गुड़हल, और ये है हमारा छोटा सा बेलपत्री का पौधा, भगवान जी होना चाहिए ये। और ये है अम्मा प्राजिता, और ये कौन सा भैया? ये है सुख शांति का प्लांट। कितने प्यार से भैया ने प्लांट निकाला और लगा भी दिया, हम लोगों से इतना जल्दी नहीं लग पाता। हम लोग पहले पूरी मट्टी खोदते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लगाते। तो फ्रेंड्स, ये लग रहा है रेड गुड़हल का पौधा, वो देखिए। खाद वगैरह आप अपनी डालोगे या मैं? देखिए फ्रेंड्स, ये है खाद और दवाई, ये हम भैया से ही डलवा रहे हैं अभी एक बारी, उसके बाद मैं अपनी बात लेके डालूंगी। खाद तो महीने महीने चल जाएगी, एक कंपोस्ट बनी होती है। गए, उन्होंने पानी भी खुद ही दिया, खाद भी डाली है, और देखिए सारा गंदा हो रहा है। अभी मैं आके साफ करूंगी, कितना डर्टी हो रहा है। थोड़ी देर में आऊंगी यहाँ पे, सारा क्लीन करके जाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं। गर्मा ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म पूरी आई है फ्रेंड्स, आपने खाई हो? ये बन रही है आलू की सब्जी। उधर ये देखिए आलू की सब्जी, और ये है दही मदर डेयरी की क्लासिक। करते हैं ब्रेकफास्ट, तो चलो फ्रेंड्स करते हैं ब्रेकफास्ट। तो हम मिलेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। देखिए बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, पीहू देखिए काफी हद तक मैं बना चुकी हूँ। मैं आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी, आप कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमने 1 लीटर अमूल का डबल मिल्क वाला, जो मलाई वाला दूध होता है, वो लेना है, और उसमें सिर्फ ओनली
गिलास पानी डालना है, एक गिलास पानी डाल के उसमें उबाला डलवा के उसे 2-3 मिनट तक उबाला मतलब जीरो पे करके पकने दो, हमने इसे पकने। उसके बाद जो हम ये बना बनाया बटर स्कॉच फ्लेवर फलूदा मिक्स है, इसको हमने लिया पैकेट और जब वो 5-6 मिनट के लिए पक गया अच्छी तरह से दूध, फिर पूरा पैकेट हमने इसमें रब कर दिया और इसको कम से कम 12 से 15 मिनट तक इसको स्लो गैस पे इसको चलाते रहना है, देखिए फ्रेंड्स, और जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और उसके साथ उन्होंने एक पाउच ये दिया था, ये है कैरेमल चीनी थी इसमें, ड्राई फ्रूट्स थे छोटे छोटे, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स। और अब हम इसे 12 से 20 मिनट तक 15 मिनट तक इसको ऐसे चलाएंगे, उसके बाद ये धीरे 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 जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा तो इसको धीमी मतलब बिल्कुल गैस से बंद करके उतार लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। देखो एकदम से तो ठंडा होगा नहीं क्योंकि गर्म चीज़ है, गर्मी का टाइम, तो आप इसी किसी चीज़ में रख के जैसे पानी की परात ले लो उसमें रख के भी ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा ही खाने में मजा आएगा। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो आप अपने फ्रीज में रखिए, लेकिन इसे फ्रीजर में मत रखिएगा बर्फ कंटेनर वाले में क्योंकि ये खराब हो जाएगा। इसे ओनली फ्रीज में रखिए ठंडा करने के लिए और रात को खाना खाने के बाद इसमें बटर स्कॉच आइसक्रीम मंगाइएगा और उसे डाल के इसे खाइएगा। और फ्रेंड्स देखिए आज बच्चों ने कहा मम्मी मदर्स डे है तो आप अपनी सासू माँ के लिए बना लीजिए, मम्मी तो देखो आपको पता ही है दूर होती हैं, तो माँ एक माँ यहाँ एक माँ वहाँ है तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी हम सेलिब्रेट कर लेंगे ये वाला डे किसी दिन, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं तो आज देखते हैं। बच्चों ने कहा हमारा भी आपके लिए भी हो जाएगा तो और मम्मी के लिए भी हो जाएगा, तो हम बना रहे हैं बटर स्कॉच फ्लेवर का फलूदा और इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत इन्होंने पैकेट्स में दे रखे थे, थोड़े बहुत हम खुद घर में से डाल रहे हैं। तो पीहू ड्राई फ्रूट्स काट रही है, देखिए फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था ना ये वाले ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर से, थोड़े से हमने इसमें से सीड्स ले लिए, बेरीज ले ली और बादाम वगैरह ले लिए इसमें से, अखरोट वगैरह, और ये कट गए हैं देखिए सारे ड्राई फ्रूट और अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए ये भी इसके साथ थोड़े से पक जाएंगे, बस उसके बाद हम इसे ठंडा होने रखेंगे। देखिए शाम के 6 बजे हैं, फलूदा मैंने तैयार करके रख दिया था और शाम के लिए तैयारी हो चुकी है जी। बच्चे अंशु देखो सो के उठा था फ्रेंड्स, अब मैं देखिए मॉर्निंग में भी बच्चे रोज नहाएंगे, रोज ही नहाते हैं, सर्दी में होता है वन डे वन नहीं नहाते, और सुबह मैंने इसको फ्रेश किया था नहला धुला के, अब शाम का टाइम हो गया, अब ये उठा, फिर मैंने इसको दोबारा से मुँह हाथ धुलाया, पाउडर लगाया, इसके सारे कपड़े दोबारा चेंज किए, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी में बच्चों को 2 टाइम्स जरूर नहलाना मतलब मुँह हाथ धुलाना चाहिए क्योंकि गर्मी होती है, बच्चों के कपड़े भी 2 टाइम बदलने चाहिए, गर्मी के कारण घुमोरियाँ निकल जाती है, पाउडर्स लगाना चाहिए उन्हें। तो मैंने अंशु को फ्रेश कर दिया, आम हो गई थी मैंने आपको बताया 6 बज गए और क्या कहते हैं बच्चे ना हैप्पी मदर्स डे मम्मी हम कुछ लेके आए हैं आपके लिए। अंशु का तो मुझे पता था, उसकी टीचर ने ना स्कूल से फ्राइडे को ये बनवा के बोला था पेरेंट्स के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा के हमारे ग्रुप में सेंड करना, तो अंशु ने मुझे ये दिया है और पीहू ने मुझे जो गिफ्ट दिया है, पीहू ने भी घर में ही कैरी बनाया है, देखिए बैग बनाया है छोटा सा, खुद लिया हैप्पी मदर्स डे नेम भावना और इसके अंदर क्या है ये हम अभी देखते हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स पीहू ने क्या, देखो बच्चों ने कितने प्यार से अपने हैंड से बनाया है, बाजार से तो सभी ला सकते हैं खरीद के, ऐसी बात नहीं है बच्चों को पैसे दो बाजार से ले आएंगे ऑलरेडी जी, लेकिन हम इतने बड़े छोटे बच्चों को पैसे नहीं देते हैं बाहर जाने के लिए और वो नहीं लेके आए, जो कुछ भी आज उनके पापा घर में थे अगर इसके अंदर भी कुछ वो लेके आई है तो अपनी सिस्टर या अपने पापा की हेल्प से लेके आई है, और मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या दिया है इसमें क्या है, और इसमें निकला है एक क्यूटी पाई बिल्ली वाला कैटी वाला मेरे को एक छल्ला दिया है जो न्यू पर्स मैंने लिया है और उसमें मैं साइड में जिप में लगाऊंगी, ये मेरा यूजफुल है बहुत ही प्यारी लग रही है, और एक दिया है हार्ट दिल वाली रिंग, देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर है, तो बच्चे मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो थैंक यू अंशु, थैंक यू पीहू, थैंक यू, आप लोगों के गिफ्ट मुझे बहुत प्यारे लगे फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी भी हंस रहे हैं, इनके पास कोई और भी गिफ्ट है तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है नाम भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और भी लाए तो देखते हैं शाम तक क्या गिफ्ट और मिल जाए मदर्स को, आज के दिन सब मदर्स डे अपने अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए, मुझे बहुत प्यारा लगा आज, मैं अंशु का भी गिफ्ट बहुत प्यारा लगा, मम्मी पर्स भी ले आई मेरा निकाल के अलमारी में से, कह रही मम्मी ये लगाओ पहले आप, मैं जो गिफ्ट लेके आई हूँ सच्ची दबा देंगे हाथ से, तो देखिए कितना प्यारी लग रही है जी, देखिए निशानी रहेगी ये नेक्स्ट मदर डे पे, ये दिखाऊंगी मैं आपको कि ये हैगी मेरे पास क्यूटी बिल्ली कैटी, बहुत सुंदर है, थैंक यू बेटा। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों ने सरप्राइज दिया हैप्पी मदर्स डे का,
बच्चे केक लेके आए हैं अंशु, पीहू, परी, नोनू हमारे लिए और इनके दोनों पापा अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि आज है हैप्पी मदर्स डे, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। तो फ्रेंड आप सब भी आइए सेलिब्रेट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हम लेट चुके हैं, मैं भी, अंशु भी, नोनू और पीहू भी, सब लेट चुके हैं। हमने आज खाने में क्या बनाया था, क्योंकि जो अलग से वैरायटी थी वो ज़्यादा हो गई थी। हमने आज फलूदा बनाया था तो उसके लिए आइसक्रीम लेके आए थे, फलूदे बटर स्कॉच वाले फलूदे में बटर स्कॉच की ही आइसक्रीम डाल के हमने खाई, और अदरवाइज़ हमने केक काटा था, केक और कैंपा भी हो चुके। खाना बड़ा था हल्का बनाया था, हमने बनाए थे अरहर की दाल और चावल जो बहुत ही टेस्टी बने थे। सब ने ओनली दाल चावल खाया, उसके बाद भर भर के एक एक गिलास फलूदा फलूदा आइसक्रीम वाला खाया। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 10:30 और आज का मदर डे याद रहेगा हमेशा। सच्चे में बहुत बेस्ट मदर डे बनाया है बच्चों ने, हम बहुत अच्छा लगा बच्चों का गिफ्ट, और केक भी बहुत सुंदर था, और बच्चों को भी मेरा बनाया हुआ फलूदा बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाएंगे फलूदा जल्दी, एक फ्लेवर और पड़ा है मेरे पास इलायची वाला। तो फ्रेंड्स बाय, अब हम सोने जा रहे हैं, तो गुड नाइट सबको, हर हर महादेव। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स बाय।